क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आहूत हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में कुल 14 प्रस्ताव आए, जिनमें से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने जानकारी दी। मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में सबसे अहम विधानसभा सत्र अगले महीने 23 से 25 सितंबर में आहूत करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में यौन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित उत्तर जीवी महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना 2020 का प्राख्यान करने की अनुमति दी गई। देखिए, कोरोना को लेकर जिस प्रकार राज्य के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की थी, उस व्यवस्था के अनुरूप समय समय पर जो भी गाइडलाइन हमें मिलती है भारत सरकार से, गृह मंत्रालय से, ICMR से, उनका अनुपालन हम लोग उसी रूप में करते हैं। और अपने राज्य के परिस्थितियों में हमें समय समय पर कितने लोग आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ रखना है, कितने आइसोलेशन बेड चाहिए, कितने वेंटिलेटर चाहिए, किस किस हॉस्पिटल की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ हम रख रखेंगे, अब उन्हें घर में आइसोलेट करेंगे, इत्यादि इत्यादि निर्णय समय समय पर, लॉकडाउन कब रहेगा, बाद में उसको किस प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता खत्म करेंगे, इंडस्ट्री कैसे चलेगी, निर्माण के काम कैसे चलेंगे, NH के काम कैसे चलेंगे, PWD के काम कैसे चलेंगे, अन्य कार्य कैसे होंगे, ये सब निर्णय समय समय पर लिए जा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि उन सब गाइडलाइन के अंतर्गत अपने राज्य में हम लोग एक व्यवस्थित तरीके से इस कोरोना बीमारी से निपटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी। विधायकों के वेतन भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश आएगा। वेतन के साथ सचिव व्यय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30% की कटौती होगी। जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग 4 की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा। सौंग और जमरानी बांध के लिए PIU गठन को मंजूरी। 143 पदों का ढांचा मंजूर। 32 अन्य पदों को मंजूरी। 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किए। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के सेवक और मिनिस्ट्रियल भत्ते में 7 साल बाद बढ़ोतरी। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30,000 और न्यायाधीशों को 25,000 रुपये भत्ता मिलेगा। HNB गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा VV के कुलपति के कार्यालय की अवधि 65 साल से बढ़कर 70 साल की गई, लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी। लघु सिंचाई में JE से वसूली नहीं होगी। निधन हो जाने के बाद अब वसूली की बकाया 4.80 लाख की राशि बट्टे खाते में जाएगी। पंजाब केसरी TV के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।